तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो आईसीसी एकेडमी समर टी20 कप खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का एकमात्र मैच है और टूर्नामेंट का भाई 10वां मैच है जो कि खेला जाएगा वैली बॉयज़ वर्सेज फ्यूचर मैट्रेस के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आपको यहां से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपका ही इसमें लॉस होने वाला है। तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो कल की तरह आज का मैच भी भाई हमारे लिए जैकपॉट जाएगा ये वाला। और कल भी भाई जो इसी लीग का मैच खेला गया था हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गया था और आज का मैच भी भाई हमारे लिए काफी शानदार जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो। अब अगर यहां से भाई बात करें मैच के बारे में तो मैच की पहले डेट एंड टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो तारीख रहने वाली है वो भाई यहाँ पर रहने वाले है 30 अगस्त, यानी कि आज मैच खेला जाएगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ से भाई 9:30 पर मैच खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें भाई वेन्यू की तो टॉलरेंस ओवल आबू धाबी में मैच यहाँ से खेला जाएगा। अब अगर भाई बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो अगर भाई अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए जो भी है इस वीडियो के बाद इस मैच की अपडेट आएगी ना, फाइनल टीम अपडेट या लाइनअप्स वगैरह, जो भी टॉस की अपडेट या जो अभी मैं आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताऊंगा, इसके अलावा कोई प्लेयर खेलता नजर आएगा तो वो सारी चीजें कवर होंगी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ भाई पूरी फाइनल टीम विद सीवीसी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी हम जो भी बात करेंगे वो एज ए प्रिडिक्शन टीम हम यहाँ से बात करने वाले हैं। तो यहाँ से भाई अब अगर आगे बढ़े हम, एक बार भाई कॉल आ रही है, कॉल कट हो जाने दो। तो अब भाई फ्लाइट मोड पर कर लिया फ़ोन, अब किसी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिच रिपोर्ट है वो यहाँ पर रहेगी हाईली बैटिंग फ्रेंडली। और यहाँ पर भाई देखिए दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें फ्यूचर मैट्रेस की, ये भी अच्छी टीम है, वैली बॉयज़ की टीम भी अच्छी है, तो दोनों ही टीम्स के जीतने के चांसेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से 170 से 190 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर 9 मैच जो खेले गए उसमें से 5 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, 4 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो वेन्यू को भी आप न्यूट्रल मान सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को हेल्प मिल रही है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को हेल्प मिल रही है। अब यहाँ पर अगर बात करें वैली बॉयज की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स की, तो उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक बार देखते हैं भाई रिसेंट फॉर्म इनकी क्या रही है। तो दोनों ही टीम्स की रिसेंट फॉर्म आप यहां से देख सकते हो, जो पहले आप वैली बॉयज की देखो, उसके बाद भाई मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर मैट्रेस की जब उनकी टीम की बात करेंगे। रिसेंट फॉर्म की बात करें जो इस टूर्नामेंट में मैच इन्होंने खेले, तो 2 मैच खेले, पहला मैच हार के आ रहे, दूसरा मैच जीत के आ रहे हैं। अब अगर बात करें यहां से इनके बैट्स मतलब जो प्लेयर्स हैं उनकी, तो यहां पर आप देख सकते हो जो यहां से आपको दिख रहे हैं बिलाल अहमद 129 मैच में 1391 रन और 124 विकेट, काफी शानदार प्लेयर है, जरूर से आपकी टीम में रहना ही रहना चाहिए। इसके अलावा दानिश हफीज की बात करेंगे जो कि विकेट कीपर है, 133 मैच में 4292 रन है इनके भाई, और यहाँ पर 36 विकेट भी है, तो एक ठीक ठाक सा प्लेयर है। और भाई रिसेंट फॉर्म की बात करें तो काफी शानदार चल रहे हैं, इवन आप कैप्टनसी वीसी के चॉइस में भी रख सकते हो। खालिद इब्राहिम की बात करें तो ठीक ठाक सा प्लेयर है, 185 मैच में 200 विकेट और भाई यहाँ पर 3500 रन है, प्लेयर तो काफी खतरनाक है, लेकिन फॉर्म ठीक ठाक ही चल रही है। प्लेयर के बारे में बोल दिया था भाई मैंने कि प्लेयर ठीक ठाक है, स्टैट्स वाइज देखोगे तो भाई काफी शानदार से भी ऊपर का प्लेयर है, बट फॉर्म के हिसाब से भाई ठीक ठाक सा रहेगा आपके लिए। मोहसिन मैटू की बात करें तो बेहतरीन प्लेयर आपकी टीम में होना ही होना चाहिए, यहाँ पर 328 मैचेज में 8500 रन है और ऑलमोस्ट भाई 250 के आसपास विकेट भी, यानी कि आप देख सकते हो 236 विकेट है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। महफूज इलाही की बात करें तो 130 मैच में 77 विकेट है प्लस 3300 रन है, काफ़ी शानदार प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। मुदस्सर वानी की बात करें तो 168 मैच में 2600 रन है प्लस 246 विकेट भी है, बहुत ही शानदार प्लेयर है आपके लिए, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर शाकिब अमीन की, तो 218 मैचेज में यहाँ पर आप देख सकते हो 246 विकेट है प्लस भाई यहां पर 2000 रन भी है इनके,
तो बैटिंग से आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, बट बॉलिंग से आप इनसे अच्छी खासी उम्मीद लगा सकते हो। साथ ही बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहे हो तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जो उस्मान टर्मू की बात करें तो भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, लेकिन वही बात आ जाती है भाई, रिसेंट फॉर्म थोड़ी सी इनकी गड़बड़ चल रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 197 मैचेज में 3958 रन और 242 विकेट है, प्लेयर काफ़ी अच्छा है, बट भाई रिसेंट फॉर्म के हिसाब से अभी आप मतलब रख सकते हो टीम में, बट CVC नहीं बना सकते। मैंने पहले मैच में इसे VC बनाने के लिए बोला था वीडियो में, बट अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसे बस अपनी टीम में रखिएगा। इसके अलावा माजिद मंजूर की बात करें तो 122 मैच में 2500 रन है, ठीक ठाक सा प्लेयर है, GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फिनिशर का रोल प्ले करता है और फिनिशर को भाई ज़्यादा हर मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। भाई अगर बात करें भाई शाबिर बात की तो 83 मैच में 2961 रन और भाई 89 विकेट भी है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मूसा बेंजमीर की बात करें तो 35 मैच में भाई 1000 रन है, अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फ्यूचर मैट्रेस की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर तो इनकी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स रहेंगे वो आप देखिए, उससे पहले रिसेंट फॉर्म आप देखिए। जो एक मैच इन्होंने खेला था पिंडी बॉयज डिफेंडर के अगेंस्ट में, वो भाई हार के आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से भाई बात करें इनकी टीम के प्लेयर्स के स्टेट्स की, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भाई आप देखिए, उस मोहम्मद उस्मान आपको दिखेंगे 131 मैच में 3000 रन है, ठीक ठाक सा प्लेयर है, बैटिंग ऑर्डर के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और भाई ये जो मैच होते हैं ना, इनमें बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ देखने वाली होती है। लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर मैटर करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं करता कि जो लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर रहा था सेम वही रहेगा। यहाँ पर भाई कोई भी बैट्समैन कोई लास्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेला था, वो अगले मैच में ओपनिंग करने आ जाएगा, और जो इसीलिए मतलब जो टॉस के बाद जिस दिन मैच होता है उसी दिन का बैटिंग ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ये चीज आपको पता लगेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आओ एक बार, पहले विनिंग देखो बाद में ज्वाइन करना, ठीक है? पहले विनिंग देखो कितनी विनिंग मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, उसके बाद ही ज्वाइन करना। बिना अगर विनिंग ना दिखे तो ज्वाइन मत कीजिएगा। यहां पर अगर बात करें मोहम्मद उस्मान की, तो ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। अब्दुल शाकुर की बात कर लेते हैं, लास्ट के 6 महीने में भाई कुछ खास नहीं किया है बंदे ने, प्लेयर काफी शानदार है, बट भाई लास्ट के 6 महीने इसके लिए किसी भी जो टूर्नामेंट में गया है खेलने वहां पर भाई फ्लोप ही रहा है। 128 मैच में ऑलमोस्ट 3000 रन है, बट अगेन भाई इम्पोर्टेंट प्लेयर है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं रहा कि मतलब जैसे हर मैच में पहले आके फोड़ता था, वैसा काम नहीं रहा। मोहम्मद इकरम जोरा की बात करें तो आप बहुत ही शानदार प्लेयर है, मस्ट हैव पिक रहेगा। 146 मैच में 3700 रन है प्लस 225 विकेट है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, इवन CVC बना सकते हो। अंसर खान भी आपके लिए बहुत ही अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 328 मैच में 9000 रन और यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 245 विकेट भी है बंदे की। सैयद हैदर शाह अगेन एक बहुत ही शानदार प्लेयर, 317 मैचेज में और भाई 12000 रन और 51 विकेट है, बॉलिंग से उम्मीद मत रखिएगा बट बैटिंग काफी ज्यादा शानदार है। अमजाद गुल की बात करेंगे, अगेन भाई बहुत ही शानदार प्लेयर, 184 मैच में 3800 रन प्लस 34 विकेट, और यहां पर अगर बात करें उमर अली तो 205 मैच में 250 विकेट है प्लस भाई यहां पर 1900 रन भी है, बहुत ही शानदार प्लेयर रहेगा। मोहम्मद अजहर की बात करें तो 92 मैचेज में 133 विकेट खेलता है, तो मस्ट हैव पिक रहेगा। हैदर अली रिसेंट फॉर्म काफी खतरनाक है, लास्ट टूर्नामेंट में भाई एकदम जैकपॉट दिलवा रहा था हमें, लगातार 3-3 विकेट एक एक मैच में गुच्छों में लेके जा रहा था। 36 मैच में भाई 50 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। आकिफ राजा की बात करें तो पिछले काफी टाइम से मैच भी नहीं खेला, और भाई जो पहले खेले थे शायद 6 महीने के अराउंड हो गया, उस टाइम पर जो खेला था उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं थी। मोहम्मद मुदस्सर की बात करें तो भाई 47 मैच में 305 रन भी है और भाई 49 विकेट भी है, काफ़ी शानदार प्लेयर रहेगा, ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें डेमो टीम की तो वो तो मैं आपको दूंगा ही, उससे पहले भाई आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ एक बार। भाई अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट मतलब ये मान सकते हो आपकी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है। अगर आपने मतलब अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डेमो टीम की तो वो तो मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन है भाई हम यहाँ से लेने वाले हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे दानिश हफीज़ के, मोहम्मद इसके अलावा जो अब्दुल शाकुर इनका रहेगा, मोहम्मद इकरम जोरा का रहेगा, इसके अलावा एम मंजूर का रहेगा। अब एम मंजूर का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, एम इकरम जोरा की बात करें तो लास्ट मैच में भाई ये देखना बॉलिंग की थी, लास्ट में ऐसे बॉलिंग नहीं की, अगर बॉलिंग करता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बॉलिंग नहीं कर रहा तो एवरेज पिक। अभी के लिए मैं दानिश हफीज को अपनी टीम में लेके चल रहा हूं, अब्दुल शाकुर को अभी मैं ड्रॉप करके चलूंगा। अमजाद गुल यहां से मस्ट हैव पिक रहेगा, वसीम मोहम्मद खेलता है तो
टीम में तो रहेगा ही रहेगा, मेरा कैप्टन भी यही रहेगा, कैप्टन या वीसी कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। जेड वानी की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो भाई सैयद ऐदरसा मस्ट ऑफ पिक रहेगा, इवन कैप्टनसी का भी अच्छा ऑप्शन है। नीचे अंसर खान मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इसके अलावा भाई बात करें तो और जो आपको कोई प्लेयर ट्राई करना आप कर सकते हो, बाकी अभी के लिए मैं और किसी को ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा अगर खेलता है तो मस्ट ऑफ पिक रहेगा। अभी के लिए खाली इब्राहिम हमारी टीम में 101% रहेगा ही रहेगा। वहीं अगर बात करें मोहम्मद उस्मान को हम अपनी टीम में रखेंगे, मट्टू और यू ट्रुम्बू को मैं अपनी टीम में ले रहा हूं। अगर आप चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, बट यू ट्रुम्बू काफ़ी खतरनाक प्लेयर है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। उमर अली राजा कीफुल्ला खान को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ऐसे मैं लेके चल रहा हूं भाई मुदस्सर अली को, इसके अलावा भाई एम वानी को अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। अगर आप चाहो तो आप यहां से भाई एस भट्ट को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकता है। सी वी सी की बात करेंगे तो अभी के लिए जो कैप्टन है मेरी वो काफी है भाई सैयद ऐदरसा रहेगा। वीसी की बात करें तो भाई मैं ऐसे खालिद इब्राहिम को ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा भाई आपके लिए जो प्लेयर है वो सी वी सी हो सकते हैं, उनकी अगर बात करें तो यू ट्रुम्बू यार प्लेयर काफ़ी अच्छा है बट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना इम्पॉसिबल है। तो बस दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।